आज हमारे साथ है आरएस गौतम जी, तो हम इनसे सवाल पूछना चाहेंगे कि वो क्या कारण थे जिसकी वजह से गांधी जी पूना पैक्ट के विरोधी थे। देखिए, पूना पैक्ट जो लागू हुआ था वो इंग्लैंड के अंदर हुआ था, वहाँ पर कम्यून अवार्ड उसने घोषित किया था। कम्यून अवार्ड के अंदर एक जो जनरल जो एक वोट हम दे सकते हैं शेड्यूल कास्ट के आदमी, और एक जो अपना आदमी अलग से चुन सकते हैं। तो गांधी जी को इसी उसमें कि भाई ये तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि जनरल को भी वोट देंगे और ये अपने आदमियों को भी अपना वोट अलग से चुनेंगे, तो इस वजह से हमारी जो है वो सिस्टम जो गड़बड़ हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने यरोदा जेल में अब आमरण अनशन कर दिया, और अनशन काफ़ी दिनों तक चला। और आमरण अनशन करने के बाद जब बाबा साहब पे चारों तरफ से दबाव पड़ने लगा, और दबाव पड़ने के बाद ये होने लगा कि भाई या तो आप उसके गांधी जी के प्राण बचा लो, अन्यथा उनको मारने की भी साजिश की जा सकती थी। तो इसी वजह से देखते हुए उनकी जो पत्नी थी, वो पत्नी उनके पास बाबा साहब के पास गई और उन्होंने झोली फुला के कहा था कि मेरे पति के आप प्राण बचा लीजिएगा। तो भगवान बुद्ध ने उस कम्युनल अवार्ड के बदले में रिजर्वेशन की वो अपने मांग रखी, और रिजर्वेशन को कम्युनल अवार्ड के बदले में रिजर्वेशन मिला, जिसमें पहले 75 सीटों थी जो मुंबई के अंदर थी वो 140 के लगभग सीटें हो गई। और इस वजह कम्युनल अवार्ड जो है ये रिजर्वेशन का कारण बना, और कम्युनल अवार्ड को बाबा साहब ने उसको छोड़ना पड़ा, और इस वजह गांधी ने फिर अपना अनशन किया और फिर जाकर के देश में लागू हुआ जाकर के। ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।